तो भैया आपके सवालों की पोटली लिए इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि ये वीडियो है भैया Q&A, यानी कि आपके हैं तगड़े तगड़े सवाल और मेरे पास हैं हर बार की तरह, आपको पता है भैया, टूटे फूटे जवाब। तो इस वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। IPL 2022 भैया शुरुआत हुई, काफ़ी सारे मैचेस खेले गए हैं और मैंने आपसे पूछा था कि भाई साहब कुछ सवाल हैं, कुछ मन में कुछ बातें हैं तो पूछ लीजिए, कोई अपडेट चाहिए या कुछ भी भैया जो आप चाहते हैं, आप ही जनता जनार्दन है। तो आपने काफ़ी सारे सवाल कुछ और उसमें से कुछ सवालों के इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खासम खाद वीडियो है, तो भैया वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय MPL, जहां पर उन्होंने हमारे अपने प्यारे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए बिगेस्ट गिव अवे लॉन्च किया है लिमिटेड ऑफर में। लेकिन भैया सीधी सी बात है कि किसी एक लकी विनर को MPL देने वाला है iPhone 13 एब्सोल्युटली फ्री। आई मीन iPhone 13, दिस इज अमेजिंग भाई। मैं सुन रहा हूं ना तो मेरे को एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं भाई यार, अब मुझे तो चाहिए और ये फील आपके अंदर भी आना चाहिए। उसके लिए कुछ इजी स्टेप्स हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, बट उसके पहले एक बात और बता दूं कि भैया अभी अगर आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं बने हो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन किया है, तो मेरी नजर में ये गुनाह है और प्लीज ऐसा गुनाह मत कीजिए। फटाफट से स्मैश दैट लाइक बटन, तोड़ डालो, फोड़ो, एकदम थाट 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 दबाओ, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और हम यहां पर वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना। और सबसे पहला सवाल हमसे गणेश ने पूछा और बहुत ही अच्छा इनका सवाल है कि भाई साहब मेरे विचार क्या है यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के रिटायर आउट होने वाले इंसिडेंट में, क्या ये फेयर है, क्या ये सच में मतलब जो है थोड़ा सा लेजिटिमेट और थोड़ा सा न्यायप्रिय नजर आता है, और अगर ऐसा है तो क्या टीमें आगे इन फ्यूचर और ज्यादा इसे यूज करते हुए नजर आएंगे एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। देखो इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहता हूं, मैं आपको बता देता हूं। लेट मी जस्ट टेल यू कि मेरी समझ से जो चीज नियम के अंदर आते हैं, कानून के अंदर आते हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सही है। जैसे मैनकैट को लेकर हमने देखा कि कितने विवाद होते थे, स्पिरिट ऑफ गेम, ये वो, बट मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, कि अगर कोई चीज नियम के अंदर आ रही है, क्रिकेट के अंदर आ रही है, रूल्स के अंदर आ रही है, ऐसा हो सकता है तो फिर क्या बात है स्पिरिट यार, ये क्या होता है? फिर तो आप बोलोगे कि यार अब बोल्ड मत मारो, क्योंकि बोल्ड मार दिया तो बल्लेबाज की बेइज्जती हो गई, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यहां पर डिस्टर्ब हो गई, विच इज जस्ट एन इलॉजिकल थिंग। तो उसी तरीके से वो मुझे, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं कि अगर कोई चीज नियम के अंदर है तो आप उसे कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप इसे गेंदबाज के लिए सोचते हो तब आपको ये लगता है कि यार थोड़ा सा अनफेयर है क्या? देखो जैसे ये हो जाता है कि लगता है कि कोई गेंदबाज है, मान लो बल्लेबाज को डिसीव कर रहा है, उसकी विकेट नहीं चटका रहा है बट उसे डिसीव कर रहा है, फंसाए रखा है पिच पर, और फिर वो क्या करता है कि वो थोड़ी देर गेम खेलता है, फिर वो रिटायर आउट होकर चला जाता है, कोई दूसरा बल्लेबाज आता है और वो छक्के चौकों की बरसात कर देता है, तो आपको लगता है कि यार इट्स अ लिटिल बिट अनफेयर फॉर द बॉलर। और वैसे भी मतलब कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि जितने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है ना, ये थोड़े से बैटिंग डोमिनेटिंग है, तो ऐसे में ये सारी चीजें सोचो तो आप थोड़ा सा फेयर अनफेयर की तरफ जाते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर यार रूल्स में है तो मैं कहूंगा कि अगर वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, और शायद किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका और सबका यहाँ पर ओपिनियन डिफर कर सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए भैया, ये ना ये रियल में जनता जनार्दन का सवाल है। आई मीन अगर आप मेरे रेशियोज को उठाकर देखोगे कॉमेंट सेक्शन के, तो लगभग 50% ऐसे सवाल थे जो इसी से रिलेटेड थे, जो यही बातें घुमा फिरा के पूछी गई थी। सवाल यहाँ पर बेसिकली एक्स ड्रैगन का है और इनका सवाल ये है कि भैया कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं इस साल के IPL 2022 में, ट्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अलग अलग जो है लोगों ने बोला कि टॉप फोर कौन है, प्ले ऑफ में कौन जाएगा, ये सारी चीजें। और इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या CSK के चांसेस हैं। भाई देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सबके चांसेस हैं, अभी थोड़ी कोई एलिमिनेट हुआ है तो अभी तो सबके चांसेस हैं, आप बैक टू बैक मुकाबले जीत तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, कौन आपको रोकेगा, बड़ी सीधी सी बात है। मतलब 14 मुकाबले होते हैं, 8 जीत जाओ, 9 जीत जाओ, आप क्वालिफाई कर गए, बड़ी सीधी सी बात है, 7 में भी कर सकते हो, बट इस बार 10 टीमें हैं तो शायद कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो 8 आप मान के चलो सेफ साइड लेने के लिए, तो सारी टीमें अभी भी क्वालिफाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और जैसा आपने पूछा कि कौन क्वालिफाई करेगा, तो हमने तो प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर रखी है ना भाई साहब, आपने अगर नहीं देखा, ओके लेट मी जस्ट टेल यू, कोई बात नहीं। देखिए हमने जो 4 टीमें पिक की है ना, वो है रजवाड़े ऑफ राजस्थान, वो है पंजाब किंग्स टीम, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड देन RCB। रैंकिंग वाइज नहीं है, बस मैंने ये 4 टीमें पिक की हैं। KKR मुझे अब रेस में नजर आ रहा है, मैंने बोला था कि KKR भी रेस में रहेंगे, लेकिन मैं लखनऊ के साथ जा रहा हूं, सो हो सकता है कि शायद KKR आ जाए लिस्ट में। बाकी इसके अलावा यही मोटे तौर पर मेरी टॉप 4 टीमें हैं जो मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर रहे हैं इस साल के IPL 2022 के प्लेऑफ्स में। एंड द नेक्स्ट सवाल हमसे यहां पर यश ने पूछा है और इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या दिनेश कार्तिक ने अपने आप को इतना प्रूफ कर दिया है इस IPL में एज अ फिनिशर जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जो है सीट मिल जाए, भैया जो ऑस्ट्रेलिया जो टिकट जाएगी, मतलब एरोप्लेन जाएगी, उसमें उनका टिकट में उनका नाम भी होना चाहिए, क्या ऐसा है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग्स,
गेम्स, मुझे लगता है ना कि हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं, थोड़ा सा भावना में बह जाते हैं। अभी कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है आईपीएल में तो जरूर उठा लो भैया, ये तो पक्का टी20 वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट खेलेगा। बट देखिए, नो कंप्लेंस या फिर ऐसा कुछ नहीं कि दिनेश कार्तिक के कुछ अगेंस्ट है, बट आई थिंक यू हैव टू गिव सम टाइम। आप थोड़ा सा उनको और सेटल होने का मौका दो, टूर्नामेंट लंबा है, अभी 14 मुकाबले हैं। अगर वो लगातार कंसिस्टेंटली इसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आगे वो कुछ बायलेटरल सीरीज खेलें, थोड़ा सा उनमें जो है उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ऑब्वियसली वो होगा, मुझे लगता है आने वाली बायलेटरल सीरीज में अब उनको कॉल अप आने वाला है, नेट डीके आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर वहां वो अच्छा करते हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यार खिलाड़ी जो अच्छा कर रहा है उसको टिकट मिलनी चाहिए, फिर हम सबसे आगे रहेंगे कि भाई टिकट दीजिए। पर उसके लिए अभी थोड़ा सा माइन्यूट सा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है यहां से इतनी परफॉर्मेंस करके उनकी बायलेटरल की टिकट पक्का हो गई है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट। और इसके पहले कि अब हम आगे बढ़ें, एक ऐसा सवाल ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब मैं दे देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि भैया आप कैसे जीत सकते हो iPhone 13 एब्सोल्युटली फ्री, कैसे जीत सकते हो, कैसे आपको मिल सकता है? लेट मी जस्ट टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भैया, वो आप जीत सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MPL, और MPL ने ना हमें स्पॉन्सर किया है, बोला है हमसे कि आपके दर्शकों से बोलिए कि भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हम उन्हें देंगे iPhone 13 सिर्फ और सिर्फ आपके प्यारे दर्शकों के लिए। तो भैया इतना सुनहरा ऑफर, इतना बेहतरीन ऑफर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि जाके इसे क्लेम करिए, आपको मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हो, आप हमारी जनता हो, आपको जरूर मिलना चाहिए। आज वैसे में जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा, वहां पर आपको पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का भी लिंक मिलने वाला है। तो फटाफट से पार्टिसिपेट कर लो और हमारा साइन अप कोड यूज करना यार मत भूलना, DrCrick50, क्योंकि उसकी वजह से ना उनको पता चल जाता है कि भैया आप हमारी तरफ से आए, हमारी पार्टी वाले हो। तो बस इतना काम करो, ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 लगातार MPL पर बनाओ और उसके बाद किसी एक लकी विनर को ब्रांड न्यू iPhone 13 बहुत जल्द, लिमिटेड ऑफर है, बहुत जल्द एंड हो जाएगा। तो भैया सोच विचार करने में देर मत कर देना, क्योंकि देर आओगे ना तो नहीं आओगे दुरुस्त, यहाँ लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फटाफट से आप कर दो, अभी के अभी जाके कर दो, बाकी हम यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भैया नेक्स्ट सवाल हमसे यहाँ पर पूछा है श्री निकेतन ने, और इनका बहुत अच्छा सवाल है कि सुयेश प्रभु देसाई ने CSK के अगेंस्ट डेब्यू किया RCB टीम के लिए, तो क्या लगता है कि RCB अब उनको प्लेइंग 11 में खिलाने का मौका जो है देने वाले, मतलब प्लेइंग 11 में खिलाएंगे आकाशदीप को ड्रॉप करके, क्योंकि बाद में हर्षल पटेल आ जाएंगे तो फिर हर्षल पटेल को भी आपको खिलाना है, कैसे करोगे आप, कैसे मैनेज करोगे? देखो यार, बहुत ही सीधी सी बात है ये, तो मतलब जो हमारे जो है दर्शक है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तो शुरुआत से बोल रहा हूँ कि मुझे सेंस नहीं समझ में आता आप आकाशदीप को क्यों खिला रहे हो, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉलर क्यों खिला रहे हो। मुझे लगता है RCB एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ मैदान पर उतर रही है, जिसके जगह पर आप एक जो है एक ऑलराउंडर खिला सकते हो, एक बल्लेबाज डोमिनेटिंग खिला सकते हो, क्योंकि भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ा टूर्नामेंट है, हर बार आपको आपके टॉप प्लेयर्स मुकाबले नहीं जिता कर देने वाले। तो अगर आप अब सुयेश को खिलाते हो भाई, उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही है, मैंने बोला सुयेश को खिलाओ, लोमरूर को खिलाओ, किसी को खिलाओ, तो ये टीम ने खिलाया अभी फाइनली, तो हो सकता है अब स्टिक करें और हर्षल आएंगे, तब टीम कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। और ऐसे में भैया जब हर्षल की इतनी बात मैंने कर ली है ना, परपल पटेल की इतनी बात कर ली है, तो आप लोग का सवाल बहुत आया लगे हाथ, चलिए वो भी बता देता हूँ। LYNX गेमिंग ने बेसिकली पूछा है कि भाई हर्षल पटेल कब अवेलेबल होंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हर्षल कब आने वाले हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियरली और ईमानदारी से बता देता हूँ कि किसी के पास इसकी रियल जानकारी नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, नहीं है भैया, यही फैक्ट है। उनको रिलीज कर दिया गया और बोला गया है कि जब आपको जैसा मन होगा उसके हिसाब से आप टीम के बाहुबल को फिर से ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ने हमें ये बताया था कि वो ज़्यादा समय के लिए नहीं गए हैं, वो लगभग 1-2 दिन के लिए ही गए हैं, और अगर ऐसा है तो अब तक वो लौट आए होंगे और बायोबल में ज्वाइन होने के लिए बेसिकली अपना क्वारंटीन स्टार्ट कर दिया होगा, 3 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन में उनको जाना था। तो फिर हो सकता है कि मोटे तौर पर जो अगला मुकाबला है RCB का, आई थिंक अगेंस्ट DC है ना, और शायद वो मुकाबला वो मिस करते हुए नजर आए, उसके बाद से अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं तो अगर अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो अभी और समय लगने वाला है, और जैसा मैंने बताया कि उनको पूरी फ्रीडम दी गई है कि जब आप जो है अच्छा फील करें, जब आपको लगे कि मैं टीम के साथ कंटिन्यू करूंगा, तब आप आके बबल को ज्वाइन कर सकते हैं, तब आप अपना क्वारंटीन स्टार्ट करके मतलब टीम का पार्ट बन जाएंगे। ये यहां पर जो है ऑफिशियल अपडेट हमारे पास RCB कैंप्स है, तो वी डेफिनेटली हैव टू वेट। जब कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने सोशल मीडिया पर आपको बता दूंगा, मैं वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी और कंफर्म्ड सोर्सेस से जानकारियां नहीं है। एंड देन हमसे नेक्स्ट सवाल यहां पर ऑल इन वन ने पूछा, और इनका सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या का ऐसा कैप्टन यार गुजरात टाइटंस टीम के लिए अब बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं, तो क्या वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं इंडियन फ्यूचर कैप्टन को लेकर? देखिए भैया बहुत ही सीधी सी बात है, मेरा इसमें यह मानना है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे
पास श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और मतलब युवा खिलाड़ियों में पृथ्वी शॉ, और मैं हो सकता है मैं नाम मिस भी कर रहा हूँ, आई एम श्योर मैं कोई कोई नाम मिस कर रहा हूँ, बहुत सारे केएल राहुल, बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे पास। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी हार्दिक पांडे उस लिस्ट में, काफ़ी दूर है। देखिए आईपीएल में कप्तानी करना और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कप्तानी करना, इट्स ऑल टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत दूर होती हैं दोनों चीज़ें। तो डेफिनेटली स्किल सेट यार हार्दिक के पास बहुत अच्छा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये तो हम हमेशा से डिस्कस करते थे कि ही इज़ अ गुड लीडर, काफ़ी बेहतरीन वो लीडर है, वो क्वालिटीज़ उनमें एमआई कैम से दिखती थी। तो गुजरात टाइटंस में भी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर मुझे लगता है हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी वेटिंग में है, वेटिंग एरिया में है, सो आई थिंक हमें उतना रश नहीं करना चाहिए। एंड देन हम बात करें यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल जो हमसे पूछा है, यहाँ पर जीके क्वेश्चन है और इनका सवाल ये है कि किस गेंदबाजी यूनिट ने सबसे बेहतर अब तक किया है। देखिए किस टीम की गेंदबाजी ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कुछ टीमों की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन रही है, फिर चाहे वो यहाँ पर रही हो राजस्थान रॉयल्स टीम, गुजरात टाइटंस टीम, आरसीबी भी एट सम एक्सटेंट, तो कुछ टीमों की ये गेंदबाजी ऐसी रही जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। केकेआर को भी आप भूलिए मत भैया, शुरुआत में तेज गेंदबाजी बहुत बेहतरीन, फिर उनके 8 ओवर स्पिनर्स के मिस्ट्री स्पिनर वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी रही है। अब फिर भी कोई एक टीम पिक करते हो ना, तो लॉजिकल रीजन के साथ जाते हुए मैं पिक करूंगा रजवाड़ो। मैं रजवाड़ो को क्यों पिक कर रहा हूं, देखिए भैया T20s के ये गेम हुए, IPL हुआ, इस टीम ने ना मुकाबले में बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि ये टोटल डिफेंड करने गए और टोटल डिफेंड करते हुए टोटल को इनकी गेंदबाजी यूनिट ने डिफेंड कर लिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम और टीमों के साथ हमने ये नहीं देखा, वहां पर जो चेस कर रहे थे वो मुकाबले में डोमिनेट कर रहे थे, बट इनके साथ स्पेसिफिकली हमने देखा कि इस टीम के गेंदबाजों ने और टोटल को डिफेंड किया, डोमिनेट किया है अपनी गेंदबाजी के साथ, तो बहुत अच्छा मिक्सअप है इस टीम के पास, और इसलिए अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैं उनको थोड़ा सा हाईली रेट कर रहा हूं। तो ऐसे में भैया ये रहा आज का हमारा पूरा Q&A, पूरा लेखा जोखा, जहां पर आपके कुछ प्यारे प्यारे सवालों के मैंने ना यहां पर थोड़े से एकदम बादामी वाले जवाब दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो पसंद आई हो यार, पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिनके सवाल नहीं पिक कर पाया उनसे माफी चाहता हूं। उम्मीद करते हैं कि अगले Q&A में डेफिनेटली आपके सवाल पिक हो पाएंगे, आपसे थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी रूबरू में होता रहता हूं, तो मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, एंड मजा मुझे और भी ज्यादा आ जाएगा, 2 गुना 4 गुना हो जाएगा अगर आप MPL एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, मतलब आपके फायदे की भी बात और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि आप फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।